नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट से पहला टॉपिक लेकर चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्जेक्ट के ओवरव्यू के बारे में और सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था, क्या क्या हम लेके चलेंगे और किस वे में लेके चलेंगे। तो उसी लेक्चर सीरीज में आज का जो लेक्चर होगा हमारा, फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है सेट थ्योरी एंड रिलेशन, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो सेट थ्योरी एंड रिलेशन में पहले हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी पे, इसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम रिलेशन पे डिस्कस करेंगे। तो सेट थ्योरी में अगर आप देखें तो कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे, आपके सिलेबस में भी एक टॉपिक था और कुछ हम सिलेबस से एडिशनल ही कोशिश करेंगे पढ़ाने की, जिससे कि आपको डेप्थ में उसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो पहले तो हम देखेंगे सेट थ्योरी इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट का कोई रिप्रेजेंट करना तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे यहाँ पे, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट और वेन डायग्राम के थ्रू कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे मल्टी सेट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे, जिसको डिटेल में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सेट थ्योरी कैसे काम करता है। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इज इंट्रोड्यूस बाई जर्मन मैथमेटिशियन जी कंटोर इन 1874। तो सबसे पहले 1874 में ही सेट थ्योरी का कंसेप्ट आया था, जहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ टर्मिनोलॉजी उससे डिस्कस किए गए, कुछ नंबर्स ऑफ आइडिया की आइडिया था जो कि वहाँ से निकल के आए। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, पहले तो हम सेट के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली सेट होता क्या है, क्योंकि जब तक सेट नहीं समझ में आएगा सेट थ्योरी आप नहीं समझ सकते। तो इसी सेट का जो थ्योरी है उसको समझने के लिए पहले मुझे सेट को समझना पड़ेगा। उसके बाद कुछ सेट में एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उसका प्रिंसिपल है उसको देखेंगे एलिमेंट ऑफ सेट पे, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक प्रॉपर्टीज है उसका सेट का उसको भी देखेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जो कि हम थ्रू आउट सिलेबस में उसको यूज़ करेंगे। मतलब अगर उस सेट का नाम अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कि इस सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो फर्दर हर चीज़ को डिटेल में आगे हम देखते हैं वन बाई वन, पहले हम सेट को देखते हैं। ए सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विजेबल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि सेट क्या है, इसे एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विजेबल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ठीक है, तो इसी से आप डिफिनेशन समझिएगा। वेल डिफाइंड मतलब क्या है कि एक सेट क्या होगा जो वेल डिफाइंड मीन्स कुछ रूल्स रेगुलेशन से डिफाइंड होंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये इसमें कोई ऐसे एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग नहीं कर सकते। मतलब या तो सेट में होगा या तो सेट में नहीं होगा, मीन्स रूल्स होगा, कुछ रूल्स होंगे जो डिफाइन करेंगे कि सेट के पार्ट हैं या सेट नहीं है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट मीन्स कि सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, रिपीट नहीं होंगे। जैसे कोई सेट है जिसमें एक बार हमने एक एलिमेंट को रख लिया, एक आइटम रख लिया, तो बार बार रिपीट नहीं होंगे, इसलिए डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और डिस्टिंग्विजेबल, डिस्टिंग्विजेबल मीन्स कि हम इजिली डिस्टिंग्यूज कर सकें, जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे उसको डिस्टिंग्यूज कर लें कि दैट इज़ ए पार्ट ऑफ सेट और नॉट ए पार्ट ऑफ सेट। तो इस तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं ए सेट इज एनी वेल डिफाइंड मीन्स रूल्स रेगुलेशन, वेल डिफाइंड मतलब रूल्स कुछ, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विजेबल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखिए हमने यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर n लिया और यहाँ पे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू नंबर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे इसको समझिएगा वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब क्या है, रूल्स। रूल्स क्या है, सिंपली कि नेचुरल नंबर्स होगा, नेचुरल नंबर के रूल में जो जो एलिमेंट होने चाहिए वो होंगे, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स कोई भी एलिमेंट देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5 सब डिस्टिंक्ट होंगे अलग अलग, और एलिमेंट डिस्टिंग्विजेबल होंगे। डिस्टिंग्विजेबल मतलब कि जो नेचुरल नंबर में एलिमेंट हो सकते हैं केवल वही यहाँ पे होंगे, कोई ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर में नहीं आता वो इसके अंदर नहीं होगा, इसी का मतलब है डिस्टिंग्विजेबल। दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में समझिए ये नेचुरल नंबर है, इसी में से नेचुरल नंबर इवन नंबर देखें तो 2, 4, 6, 8 अप टू आगे इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड रूल्स क्या है कि नेचुरल नंबर होंगे,
ये तो रूल्स कहता है, इसके बाद डिस्टिंक्ट जितने भी एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। जैसे 2, 4, 6 है तो आगे बढ़ते जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे, मतलब 2 2 टाइम्स नहीं आएगा, 4 2 टाइम्स नहीं आएगा, रिपीट नहीं हो रहा है। और डिस्टिंग्यूजेबल, और ये डिस्टिंग्यूजेबल होगा, जैसे डिस्टिंग्यूजेबल मतलब यहाँ पे जैसे बोला गया इवन नेचुरल नंबर, तो अगर हम बोलें कि इवन नंबर तो इवन नंबर कह सकते हैं इसका एलिमेंट है, और कोई अगर ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर इसका एलिमेंट नहीं होगा। जैसे हम कहें 1, 3 तो उसको हम कह सकते हैं ये डिस्टिंग्यूजेबल है, इसका पार्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर का केवल सेट बोला गया है। एक एग्जांपल ये भी है, जैसे कोई हम कहें सेट एलिमेंट ए है जिसके यहाँ पे एलिमेंट है 1, 2, 3, 3 यहाँ पे एलिमेंट इसके दिख रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है सेट। सेट को डिनोट करने का एक और जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, यहाँ देखिए सबसे एक तो आपका इक्वल सिंबल होगा यहाँ पे, जो इसके लेफ्ट में होगा इसको डिनोट करता है सेट नेम। सेट ये क्या है आपका, ये सेट दिखा रहा है, और इसके साइड में जो भी एलिमेंट होंगे ये इसके एक कर्ली ब्रेस होगा, ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस होगा, इसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे उसी को हम कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं ये सेट क्या है, ए सेट का नाम क्या है ए, इसके अंदर के एलिमेंट जो है 1, 2, 3 हैं, तो इसको हम क्या सकते हैं ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, यही हम इसको कह सकते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट था यहाँ एलिमेंट समझने के लिए इसी का हम ले, एलिमेंट ऑफ सेट, कोई भी सेट होगा जैसे हम ले लें यहाँ पे ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए तो हो गया सेट आपका, लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पे जो सेट में ऑब्जेक्ट है आइटम है 1, 2, 3, 4 ये सारे, इसको हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब सेट ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ कंसेप्ट में रखना पड़ेगा कि एलिमेंट दिखाने के लिए एक सिंबल होता है एप्सिलॉन, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। इस सिंबल का हम यूज करते हैं किसके लिए, एलिमेंट दिखाने के लिए। जैसे हम ऐसे कह दें कि 1 belongs to, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, और इसका इसको अगर प्रोनाउंस करना हो तो हम कैसे लिखते हैं, belongs to, be belongs to। तो हम कह सकते हैं जैसे अगर हम लिखें ऐसे 1 एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको अगर रीड करना हो तो कैसे करेंगे आप, 1 belongs to ए, मतलब जो वन एलिमेंट है वो किस भी कुछ किस सेट से बिलोंग कर रहा है, ए से। ऐसे अगर हम बोले 2 तो 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन सिंबल, जिसको हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू से। ऐसे ही एक दूसरा सिंबल यूज करते हैं हम एलिमेंट, इसको नॉट बिलोंग्स टू, यहां पे इसको क्या कहेंगे हम, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अगर कोई एलिमेंट ऐसे पूछ दिया जैसे हम पूछें 5 पूछें, तो 5 क्या होगा, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब यहां लिख सकते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 इसमें नहीं है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू कंसेप्ट समझ गए होंगे, बिलोंग्स टू के लिए हम सिंबल यूज करेंगे एप्सिलॉन, और इसके बाद डज नॉट बिलोंग के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर सेट में है तो बिलोंग्स टू, सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, और जो भी इसके अंदर एलिमेंट है इसी को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट मीन्स इसको हम एक और नाम जाते हैं कार्डिनल ऑफ, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो किसी भी सेट में जितने भी डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, वही उसका क्या होगा, कार्डिनलिटी नंबर, या कार्डिनल नंबर जिसको कह सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे देखें अगर हम इसी सेट को लेकर चलते हैं, चलिए हम इस सेट को लेकर चलते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या दिखा हुआ है, ए इक्वल टू इसके अंदर 1, 2, 3 तीन एलिमेंट हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, या उसको कहता है कार्डिनल नंबर। तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए, और इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए, या तो ऑर्डर ऑफ ए कहें हम, या नंबर ऑफ ए कहें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इस ए मतलब यहाँ से इसका सेट की बात कर रहा है, और मॉड ए,
इन तीनों का मीनिंग यही होता है कॉर्डिनल कॉर्डिनलिटी सेट, या इसको कॉर्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं हम। तो जैसे अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे, कॉर्डिनल नंबर मीन्स कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे डिस्टिंक्ट 1, 2, 3 क्या है, तीनों अलग अलग है, रिपीट कोई नहीं है ना, तो रिपीट नहीं, कितने हैं, तीन यहाँ पे, तो इसको कह सकते हैं हम 3। तो यही इसका क्या है, कॉर्डिनल नंबर, इसको हम 3 कह सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसको हम सिंपली क्या सकते हैं, कॉर्डिनल नंबर। जैसे अब इसमें हम इसमें पूछेगा इसका कॉर्डिनल नंबर क्या है, अब देखिए 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका कॉर्डिनल नंबर आप काउंट करके नहीं लिख सकते ऐसे ऐसे। अगर हम काउंटेबल है तो काउंटेबल हम लिख देंगे, और नॉन काउंटेबल हम तो इनफाइनाइट जा रहा है उसका कार्डिनल नंबर, ठीक है। कुछ आपके प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड सेट हैं जिसका हम जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सिंपली केवल नाम लिखेंगे तो उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि उसका क्या है, उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे। जैसे नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम डिनोट करते हैं एन से, और इसके अंदर जो सेट होंगे 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक, इसको हम एलिमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर आई या जेड, मीन्स कहीं भी आप सिलेबस में थ्रू आउट पढ़ते रहें, अगर हम कहीं पे भी आई लिख दें और या जेड लिख दें, तो इसका सिंपली मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर लेगा, जैसे -1, -2, -1, 0, 1, 2, तो इधर भी कुछ नंबर हो सकते हैं, यहाँ भी, तो इनफाइनाइट नंबर होंगे अभी। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर जेड प्लस से डिनोट करेगा, और इसका क्या होगा 1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर में जीरो नहीं आता, तो -1, -2 इस तरह से सारे नंबर क्या होंगे, ये आपके आ जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर जनरली उसमें निगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ आपके रियल इरेशनल नंबर भी होंगे, तो ये सारे अगर इस तरह से मिक्स में है तो इसको हम कह सकते हैं रियल नंबर कह सकते हैं, मतलब यह हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर नंबर मीन्स पी बाई क्यू, यहाँ पे एलिमेंट जो भी होगा वो पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पे पी और क्यू आपका इंटीजर मीन्स इससे बिलोंग करेंगे, और क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे हमेशा क्यू की जगह कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई आपका नॉन जीरो नंबर आएगा, पी कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम सी से, कैपिटल सी से, और जहाँ पे कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आपको, जैसे आई माइनस टू आई एक नंबर हो गया, 4+5i दूसरा नंबर हो गया, ऐसे इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सारे देखिए जो n, z, z प्लस, z माइनस, r, q ये सब यूज है, इसको हम कहेंगे सेट, और इसके अंदर यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस में है ये सारे क्या हैं, एलिमेंट। अगर कहीं भी हम थ्रू आउट सिलेबस कहीं भी हम केवल r लिख दें तो उसका मतलब सिंपली से है रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम z प्लस लिख लें तो उसका सिंपली मतलब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो होप सो एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को जो रिप्रेजेंट किया हमने, जैसे हमने बनाया ना एक सेट, ये भी एक सेट बना हुआ है, सारे क्या है, सेट बना हुआ, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, और इसके कितने मेथड, ये भी देखेंगे, और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आता है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।